हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक ग्रुप अवन। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ऐसे व्यूअर जिन्हें ऑनलाइन वीडियोस, वेब सीरीज, टीवी शोज देखने का शौक है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। हाँ जी, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जस्ट लाइक अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स वीडियो सर्विस प्रोवाइडर की तरह फ्लिपकार्ट भी मार्केट में उतर आया है अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज लेकर। इस वीडियो सर्विस का भी फ्लिपकार्ट ने नाम तो नहीं दिया है, लेकिन सुनने में आ रहा है शायद इसका नाम फ्लिक रखा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो सर्विस अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स में हमें 1 मंथ का ट्रायल ऑफर तो मिलता है जब हम उस सारे वीडियोस का एंजॉयमेंट ले लेते हैं, लेकिन 1 मंथ के बाद हमें एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तभी हम उसके वीडियोज को असेस कर सकते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट में अभी प्रीमियम मेंबरशिप वगैरह का कोई झमेला नहीं है, आप क्या कहते हैं सिंपल यूजर की तरह उसकी सारी वीडियो सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, फ्लिपकार्ट ने जो वीडियो कंटेंट मैनेजमेंट के लिए एरी, व्यू, बूट, टीवीएफ और डाइस इन मीडिया पर इन वेब एंटरटेनमेंट चैनलों के साथ टाई अप किया है। मतलब इन ये जो वेब एंटरटेनमेंट चैनल है, इनके वीडियो कंटेंट भी आपको फ्लिपकार्ट पर ही अवेलेबल हो जाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस, और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, इस सर्विस का एंजॉयमेंट के लिए जो हमें एंड्रॉयड ऐप पे ही ये सर्विस अवेलेबल मिलेगी, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अभी ये डेस्कटॉप बेस्ड वेबसाइट पर इसको एप्लीकेबल नहीं किया है। खाली जो फ्लिपकार्ट के एंड्रॉयड ऐप का लेटेस्ट वर्जन 6.17 पर ही ये हमें सर्विस एप्लीकेबल मिल जाएगी। तो सो गाइज, अगर आपको इस सर्विस का एंजॉयमेंट लेना है तो आपको फ्लिपकार्ट का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट के सीईओ ने इस वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज को 17 अगस्त 2019 को लॉन्च किया, और उनका बेसिकली टारगेट 20 to 30 एज ग्रुप के पीपल को है जो ई कॉमर्स में इतना अभी इंटरेस्टेड नहीं है बट इंटरनेट पे एक्टिव हैं। तो वो ये चाहते हैं कि इस वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज के थ्रू एक बड़ा कस्टमर बेस उनके फ्लिपकार्ट पे आए और धीरे धीरे शॉपिंग में एंगेज हुए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज का फ्लिपकार्ट को कितना फायदा मिलता है। बट गाइज, आप लोग इस वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज का एंजॉयमेंट ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्लिपकार्ट ने इसके साथ एक न्यू आइडियाज टैब भी अपडेट किया है अपनी ऐप में। ये क्यूरेटिव न्यू आइडियाज का टैब है, इसके जरिए यूजर्स को डिफरेंट टाइप के व्यूज और इमेजेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, और अगर कोई आइडिया अच्छा लगता है तो उससे रिलेटेड वेब प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स डिस्कवर कर सकता है और फ्लिपकार्ट के थ्रू शॉपिंग कर सकता है। तो गाइज, इन दो फीचर्स का, न्यू आइडियाज और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज को हमें फ्लिपकार्ट पे की एंड्रॉयड ऐप के अपडेटेड वर्जन में कैसे नेविगेट करना है और कैसे व्यू करना है, इस बारे में जानकारी जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। और गाइज, आपको मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही है, इसमें क्या कहते हैं ये फ्लिपकार्ट का ऑप्शन है, ये मेरी अपडेटेड ऐप है जो मेरे फोन में इंस्टॉल हो रखी है। अगर किसी के फोन में उसके अपडेटेड ऐप नहीं है या फ्लिपकार्ट की ऐप नहीं है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अब ऐप अपडेट कैसे करेंगे और डाउनलोड कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर का आइकन है, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम ये गूगल प्ले, ये जो सर्च बार है इसमें फ्लिपकार्ट लिखेंगे और सर्च करेंगे तो ये फ्लिपकार्ट की ऐप आ जाएगी। ये मेरे में डायरेक्ट सामने ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि मेरी ऐप ऑलरेडी अपडेटेड है। अगर आपकी ऐप अपडेटेड नहीं है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टॉल होने के बाद हम दोबारा से वापस लौटेंगे और होम स्क्रीन पर आकर हम फ्लिपकार्ट के आइकन पर जाएंगे। अब ये फ्लिपकार्ट के आइकन पर जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी ये फ्लिपकार्ट की ऐप ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, फ्लिपकार्ट जो प्लस लिखा है इसके बगल में जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, ये जो मैंने वीडियो में बताया था आइडियाज और वीडियोज, ये दोनों आ गए हैं। तो ये वीडियो वही है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, इस पर सबसे पहले हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो इसको क्लिक करके देखेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन होके आएगी। अभी इसमें देख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स की मूवीज हैं, फीचर्ड मूवीज हैं, फीचर शॉर्ट्स है, डिफरेंट टीवी शोज भी हैं, आपके मूड के अकॉर्डिंग एक्शन, कॉमेडी, रोमांस की मूवीज हैं, पॉपुलर शोज हैं ड्रामास के, और ये वीरू का भी आ रहा है मूवी, वीरू के फंडे, रोमांटिक मूवीज भी हैं, और टीवी ऑन नाउ भी है, शोज इन कनाडा भी हैं। और ये देखिए, मैंने एंटरटेनमेंट चैनल्स, डाइस, एरी, वीआईयू, टीवी है, बूट, ये डिफरेंट वेब एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, इनके साथ ही फ्लिपकार्ट की टाई अप हुआ है, तो इनके सारे वीडियोस भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको रजिस्टर नहीं करना है और ना ही कोई क्या कहते हैं प्रीमियम मेंबरशिप लेनी है। और साथ में मूवीज का भी सेक्शन है, डिफरेंट मूवीज दे सकते हैं, जैसे ये मूवी
मूवीज मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसकिया पर, तो ये इसकी देखिए यहाँ पर क्लिक करने पर उस मूवी की पूरी डिटेल मिल रही है। साथ में जब हम मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मूवी प्ले होने के लिए आ जाएगी। अब ये देखिए बफरिंग ले रही है क्योंकि ये देखिए 3 तरह की वीडियो क्वालिटी है, ऑटो ऑटो मोड पे चलेगी गुड और HD क्वालिटी पे चलेगी, और अगर आपके नेट की स्पीड स्लो है तो हम डाटा सेवर में उसके बाद हम यहाँ से बैक जाएंगे तो, और इसके बाद हम दूसरा इसका सेक्शन डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको बताया था आइडियाज का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्यूरेटिव आइडियाज टू इंस्पायर यू एवरी डे, इस पर हम जब क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड तो इन्होंने हमें 5 इंटरेस्ट सेलेक्ट करने को दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग ये आइडियाज हमें दिया करेंगे। तो जो मेरे 5 बेस्ट है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरा है गैजेट्स, ट्रैवल, फूड, हेल्थ एंड फिटनेस एंड रीडिंग, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू पे दबा दिया तो इसके रिलेटेड ये मुझे आइडियाज दिखाएंगे, जैसे ये देखिए कैमरे का है, आइस का है, ये डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, ट्रैवल लॉक्स आ गए हैं, तो जैसे ये ट्रैवल लॉक्स हैं, अराइवल है तो इन पर ये देखेंगे। अब ये डिफरेंट देखिए पोस्ट स्क्रिप्ट है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा अगर ये मुझे अच्छी लगे, इसकी स्वाइप फॉर डिटेल्स पे क्लिक करके ये देखिए डिफरेंट टाइप्स की। अब ये पोस्ट स्क्रिप्ट है, ये हम चाहें तो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं, तो ये बेसिकली हमें डिफरेंट आइडियाज दिखा रहे हैं फ्लिपकार्ट और अपने प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद जिससे हम वहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकें। तो आई होप गाइज आप ये दोनों चीज़ें समझ गए होंगे, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो में। आपने देखा कि कैसे हम फ्लिपकार्ट वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस और न्यू आइडियाज का नेविगेट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट एंड्रॉइड ऐप में। तो आप इन HD वीडियोस को एंजॉयमेंट कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आपको ये फ्लिपकार्ट के वीडियो स्ट्रीमिंग अपडेट्स कैसे लगे, और आप अपना मुझे रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराइए। और आज के वीडियो में बस इतना ही है, फिर नई वीडियो में मिलेंगे। हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और हाँ इसको शेयर जरूर कीजिए, जिससे जो यूजर्स हैं जो क्या कहते हैं इंटरेस्टेड हैं वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज में और वो नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन तक भी ये न्यूज पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, जिससे मेरे नए नए वीडियोज आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय गाइस, जय हिंद जय भारत।